In a barrel shifter, this is the circuit diagram of the barrel shifter. तो बैरल शिफ्टर एक स्पेशल टाइप का सर्किट है जिसमें हम कोई भी सीक्वेंशियल लॉजिक यूज़ नहीं करते, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी सीक्वेंशियल सर्किट, इट्स ओनली डिपेंड और ओनली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक में मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर एक डिकोडर यूज़ हुआ है और यहाँ पर शिफ्ट काउंट जो कि क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। जनरली बैरल शिफ्टर इज़ सर्किट विच शिफ्ट अ वर्ड और अ बिट, जो भी मुझे जहाँ भी शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, बैरल शिफ्टर। तो बैरल शिफ्टर को हम जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग अ डिकोडर। तो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं वी हैव अ डिकोडर एंड शिफ्ट 3, 2, 1 एंड 0, जिससे क्या हो रहा है मुझे पर्टिकुलर बिट्स को शिफ्ट करने में हेल्प मिल रही है। तो अगर हम एक बेसिक देखें बैरल शिफ्टर का, आई हैव रिटन द बैरल शिफ्टर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट कैन बी शिफ्ट अ डेटा वर्ड बाई अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स विदाउट द यूज़ ऑफ एनी सीक्वेंशियल लॉजिक, ओनली प्योर कॉम्बिनेशनल लॉजिक। जैसा मैंने बताया कि केवल कॉम्बिनेशनल लॉजिक ही हम इसमें यूज़ करेंगे, कोई और दूसरा कोई भी सीक्वेंशियल लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर सीक्वेंशियल लॉजिक यूज़ करने का क्या सेंस है, क्या मतलब है, बिकॉज जहाँ भी हमें शिफ्टिंग करना होता है वहाँ पे हम जनरली शिफ्टर्स यूज़ करते हैं और शिफ्टर को हम जब कंसल्ट करते हैं तो हमें सीक्वेंशियल सर्किट्स की ज़रूरत पड़ती है। सीक्वेंशियल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जो क्लॉक पल्स पे डिपेंड करते हैं, मींस लाइक फॉर एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, शिफ्टर्स, तो वो सब क्या है, डिपेंड्स ऑन दी क्लॉक पल्स। तो सीक्वेंशियल लॉजिक को अगर हम देखें तो सीक्वेंशियल लॉजिक इज़ नथिंग, अगर मैं एक बेसिक सर्किट्स की बात करूं सीक्वेंशियल सर्किट्स की, तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में वी हैव अ मेमोरी एलिमेंट। जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर वो मेमोरी एलिमेंट होगा जो आउटपुट को स्टोर करेगा और नेक्स्ट इनपुट में मर्ज करके आउटपुट को जनरेट करेगा। मींस सीक्वेंशियल सर्किट्स आर दोज सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड ऑन पास्ट आउटपुट, हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट, दोनों वैल्यूज पर डिपेंड करे, दैट बिकम अ सीक्वेंशियल सर्किट। वहीं हम अगर कॉम्बिनेशनल लॉजिक की बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, मीन्स जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसी इंस्टेंट पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा, दिस बिकम अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो यहाँ पर जो बैरल शिफ्टर की बात हो रही है उस शिफ्टर में हम कोई भी सीक्वेंशियल लॉजिक, मींस यहाँ पर कोई भी मेमोरी एलिमेंट हम यूज़ नहीं कर रहे, वी आर ओनली यूजिंग प्योर कॉम्बिनेशनल लॉजिक। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बैरल शिफ्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट बैरल शिफ्टर। थैंक यू।